हेलो फ्रेंड्स, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए काफी बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है और इस तरह के अपडेट हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट निकल के आ रहा है, यार कानपुर से सरकार लाखों ईपीएफ पेंशनरों के साथ कर रही वादा खिलाफी तिवारी, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ पूरी डिटेल से। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति कानपुर मंडल के अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने कहा कि सरकार देश के 65 लाख विधिवत ईपीएफ पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि वादा करने के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू की है। श्री तिवारी मंडलीय संघर्ष समिति की रावतपुर बस स्टेशन पर आयोजित सभा में बोल रहे थे। देश के विभिन्न राज्यों में पेंशनर्स नियमित रूप से क्रमिक अनशन व प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका आज 294वां दिन है, लेकिन भाजपा सरकार को कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है और न ही कुछ सुनाई दे रहा है। श्री तिवारी ने कहा कि सरकार की हठ धार्मिकता को लेकर संगठन द्वारा आगामी 7 दिसंबर को दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। सभा का संचालन सचिव अमरनाथ महेश्वरी ने किया। यहां सुंदरलाल पांडे, अब्दुल रऊफ, शिवशंकर शुक्ला, जहीर अहमद, जयरूप सिंह परिहार, अफसर अली कृपा, शंकर शुक्ला, नदीम अहमद, चंद्र प्रकाश, किशोरी लाल, मोहम्मद नजीम खान, मुन्नीलाल, राम प्रकाश गुप्ता, अब्दुल सत्तार, केपी वर्मा, निर्मल कुमार सिंह आदि वहां पे मौजूद थे। प्रकाश तिवारी ने कहा कि वर्तमान केंद्र की सरकार देश को 65 लाख ईपीएफ पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। वर्ष 2013 में कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि यदि वर्ष 2014 में केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम कोश्यारी रिपोर्ट लागू कर देंगे, लेकिन बहुमत की सरकार बनने के बाद भी अपना वादा पूरा नहीं किया। सभा को कमांडर अशोक रावत, सुंदरलाल, अमरनाथ, शिवशंकर, मोहम्मद नसीम खान, मुन्नीलाल गुप्ता, धर्मपाल वर्मा, जयरूप सिंह आदि ने संबोधित किया। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट निकल के आ रहे थे ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर, और अब देखने वाली बात ये होगी कि देश के चारों कोनों से, हर कोने से ईपीएस 95 जो देश के बुजुर्ग हैं, हमारे जो पेंशनर्स हैं, उनकी मांगे उठ रही हैं कि सरकार जो है इन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आगे जो भी कोई अपडेट आएगा हम आपके साथ वीडियो बना के शेयर करेंगे कि क्या अपडेट निकल के आ रहा है पेंशनर्स को लेके। तो फ्रेंड्स, इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहे ऑनलाइन अपडेट्स यूट्यूब चैनल के साथ।